हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, स्वागत सभी का। तो कैसे हैं जी सर? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोग कैसे हैं? फिट फाट, बेहतरीन, मजे में। ओके, तो आज का जो वीडियो है ना, बिजनेस ट्रेन है पाकिस्तान की और इंडिया की। yes. पाकिस्तान की बिजनेस का तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बिजनेस हैवी होता है इधर। बाकी इंडिया की भी हम देखेंगे। पहले जी पाकिस्तानी जो बिजनेस क्लास है वो देखते हैं कि कैसी है। ये मिल्लत एक्सप्रेस की बिजनेस है। दिल को थाम के बैठना। मिल्लत का पास। जनाब ये देखें, ये है हमारा डब्बा नंबर 3 बिजनेस क्लास का। ये है हमारा केबिन नंबर E। ये हम आ गए अंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये देखें, ये हमारा केबिन नंबर E है। ये बर्थ है और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है और ये सामान रखने की जगह है। लेकिन चेक करते हैं पहले बटन्स, लाइट्स वगैरह हैं नहीं जनाब? लाइट्स भी काम नहीं कर रही। ये तो ऐसे ही मिलेंगे। कुछ नहीं जनाब, सिर्फ एक वायदे के छोटा सा पंखा काम कर रहा है। और ऐसे बिजनेस में तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। जुबैर अब्बासी और मोहम्मद निशान जनाब। तो देखें, जिस तरह आपने देखा गाड़ी चल चुकी है, तो फिलहाल तो हम इस पूरे केबिन में अकेले हैं। जुबैर भाई मेरे साथ हैं। अकेले नहीं, दो अकेले हैं। अच्छा, दो अकेले हैं। मैं और जुबैर भाई हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो अगर इस तरह ही रहा तो माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार सफ़र गुजरेगा हमारा। और ये देखें, ट्रेन जो है वो अभी रवाना हुआ है अपने सफ़र की तरफ, और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो हम आपको और कुछ तो नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन जो भी मुनासिब स्टेशन आएगा, जहाँ पे गाड़ी मुनासिब स्टे करेगी, थोड़ा टाइम रुकेगी, तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें दिखाएं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। और मज़ीद कुछ दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह, यहाँ पर डस्टबिन होना चाहिए था। डस्टबिन नहीं है जनाब, बिजनेस क्लास में डस्टबिन खाई गए। और इसके अलावा ये लाइट्स अभी ऑन हो चुकी हैं, लेकिन मुनासिब है। थोड़ी देर में अंधेरा होगा तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लाइट बहुत ही स्लो चल रही है। लेकिन ये है कॉरिडोर, और यहाँ पर जो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है वो ये है कि आधी सीट्स खोलें और यहाँ बैठें। अगर आप अपने केबिन में बोर हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो बाहर आके बैठें, नज़ारे करें। अभी तो खैर अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। और ये देखें, ओस जम रही है, तो आप दिखाते हैं आपको वॉशरूम। ये देखें जरा, आप आके बंद कर लें आप लोग। ये देखें, ये है बिजनेस क्लास का वॉशरूम। देख रहे हैं आप, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास। आप सोचें क्या बिजनेस है, पानी भी नहीं है। दादा कह रहे हैं इकॉनमी क्लास कैसी होगी, जब आप बिजनेस क्लास इस तरह का वॉशरूम है इकॉनमी क्लास में, तो माशाल्लाह आप सोच सकते हैं कैसा होगा। ये हैदराबाद जंक्शन है जनाब, यहाँ हम उतर चुके हैं और इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं। देख सकते हैं आप हैदराबाद जंक्शन का है। ये हमारा डब्बा है 3 नंबर। भाई ये क्या चीज़ बता रहे हो आप? ये सब्जी फ्राई है। और ये किस चीज़ के हैं? आलू के हैं। ये कितने के दे रहे हो आप आलू की टिक्की? 20 रुपए की। और सब्जी की प्लेट? ये नान वगैरह के साथ ही है। और यहाँ और कौन सा सालन है आपके पास? चने का है। ये चने का सालन है, ठीक है। चने का सालन कितने का दे रहे हो? 80 रुपए का है। तो यार नाश्ते में चलते हैं ज़्यादा आइटम, या रात के खाने में? ये रात के चलते हैं। आप क्या बेच रहे हो भाई? चाय, गर्मा गर्म ये चाय है। ये कौन से सूखे दूध की बना रहे हो या दूसरे दूध की है? मिक्स होती है, ठीक है। समोसा कितने का बेच रहे हो आप? 30 रुपए का। और ये चाय, चाय कितने का? 50 रुपए का। 50 रुपए का कप है चाय का, बेहतरीन। जनाब जिस तरह आपने देखा कि ये स्टॉल मैंने आपको दिखाए हैं, यहाँ पर है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ रुकी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए गाड़ी। तो वापस चलते हैं अपने डब्बे में, ताकि गाड़ी ना निकल जाए। अब चलती गाड़ी में चढ़ना जो है ना, नुकसान भी हो सकता है। तो चलते हैं अपने डब्बे में वापस। तो ये जी पाकिस्तान का हमने देखा है हालात जो थे, मतलब
किस तरह थे यार वॉशरूम बिजनेस के बिजनेस क्लास था ना, उसने बिल्कुल ही रियल दिखा दिया बंदा थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेता है, उसने भाई ने बिल्कुल ही रियल दिखा दिया। नहीं सही है ना, जो है हालात वही दिखाने चाहिए। अभी इंडिया के आने लगे हैं तो हमने वीडियो को रोका है कि यहाँ पे रोक ले और इंडिया के देखते हैं कि इंडिया की जो बिजनेस और ट्रेन है वो कैसी है, स्लीपर ट्रेन उनकी कैसी है, तो पहले उधर अब उधर चलते हैं इंडिया की साइड देखते हैं। बस में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हाँ, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के BEML में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है, मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है, वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा, अमृत भारत ट्रेन अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ICF में वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में वंदे भारत स्लीपर, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसके लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है, तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हूबहू वैसा है, उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं, इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहाँ पे उनको दिखता है, और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें एड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टर्बेंस होता है, तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूँ इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा, उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था, उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड AC में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है, मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड AC में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी, इसमें काफी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ USB चार्जिंग दी गई है, मतलब आप अपने मोबाइल को USB से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है, मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेडरोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है, उनके जो कंबल और पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है, बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा, रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे, वंदे भारत में क्या था ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी, दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं, उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच 11 थर्ड AC 4 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट AC रहेंगे और 4-4 का सेट है ये, मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है,
20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने मतलब अभी से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए, रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का वो उस पे काम करेगी, और आने वाले दिनों में मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ओके, मेन चीज ये थी कि अभी हमने देखा था पाकिस्तानी बिजनेस ट्रेन्स जो हैं, बिजनेस क्लास जो है, और इंडिया की जो बिजनेस क्लास है, सबसे पहले कि हम ये थर्ड क्लास भी नहीं फोर्थ क्लास किस्म की ट्रेनें हैं पाकिस्तान की, और उनमें भी कोई निजाम नहीं है, सफाई सुथराई आप देख लें कि अगर बिजनेस में ये हालात होंगे तो इकोनॉमी कैसी होगी, और ये भी हम इम्पोर्ट करते हैं, ये हालात है कि इस तरह की ट्रेन्स भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में एक नेक्स्ट लेवल फर्स्ट क्लास किस्म की जो ट्रेन्स हैं वो बन रही हैं और इंडिया खुद बना रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का यार टैग और लोगो भी लगा हुआ है। वो उनका एम्ब्लेम मतलब वो जो लोकोमोटिव है उसके ऊपर शेर जो कि उनका उसके साथ लिखा होता है कि मेक इन इंडिया के इंडिया में बनी है। हमारे डोर देख ले जल्दी हाथ से नहीं खुलते, कितनी दफा जोर लगाना पड़ता है उधर, जस्ट अ पुश। तो ये चीजें जो है मतलब अगर हम इंडियन ट्रेन वर्सेस पाकिस्तानी ट्रेन करें तो पाकिस्तान कई कई दूर दूर तक भी नहीं पता चलता ही नहीं है। अच्छा वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए उन्होंने इतने अच्छे कैबन, उनकी चीजों के लिए लॉकर, उनके कंबल रखने के लिए चीजें प्रोवाइड करने के लिए जो चीजें हैं वो भी सारा कुछ उन्होंने दिया, और यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं, बहुत ही उन्होंने ठीक कहा कि लैविश किस्म की वो ट्रेन है स्लीपर उनकी। इसमें कोई शक नहीं, जो ये स्टाफ है इन्होंने सारा सफर चल चल के गुजारा है क्योंकि इनके लिए जगह नहीं होती बैठने के लिए, इनके पास हो भी तो ये अपनी जगह नहीं, ये असल में साथ में पब्लिक का भी होना चाहिए ना। अब देखो कि हमारी वो जो हम बिजनेस क्लास वो दिखा रहे थे तो उसमें रैपर्स पड़े हुए हैं, तो वो मैनेजमेंट ने तो आगे नहीं फेंके ना, वो तो लोगों ने कॉमन जो लोग सफर जो ट्रैवलर हैं पैसेंजर हैं वही फेंक रहे हैं, वही गंदा कर रहे हैं। दूसरी चीज वो कि वहाँ पे डस्टबिन जहाँ पे प्रोवाइड करनी थी उन्होंने वो नहीं की, डस्टबिन नहीं है, जंग लगा हुआ है और बुरी हालत है वहाँ पे है। मतलब आप उसको साफ सुथरा रखेंगे, पानी नहीं आ रहा मेन अब, मसला वॉशरूम में। अब जो एम्प्लॉइज हैं वर्क जो रेलवे के मतलब वर्कर हैं ये लागर्जी करते हैं ना, बिल्कुल। अब ऊपर से मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर सीधे हों आके डेली बेस पे क्या चेक करें, चेक करें। इनको भी पता हो कि यार ये चेक होना है, किसी भी टाइम आकर वो चेक हो सकता है, लेकिन जब नीचे वाला जो अमला है वो सोया हुआ है उसको पता ही नहीं है तनख्वाहें मिल रही हैं, जो निजाम चल रहा है चल रहा है, कोई नहीं देखने वाला, चलाई जाओ बस, ये बहुत बड़ा मसला है। चलें जी, बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखें ख्याल।